पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर एट में आप देखेंगे ए बी सी डी एक आपका पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम एंड पॉइंट ई लाइज ऑन साइड ए डी व्हेन ए डी इज प्रोड्यूस्ड व्हेन बी जॉइन बी तो बी इंटरसेप्ट सी डी एट एफ, मतलब ए डी को हम प्रोड्यूस करते हैं तो वहां पर पॉइंट ई आता है, ई टेक करते हैं और क्योंकि ई जो है ई लाइज ऑन साइड ए डी व्हेन प्रोड्यूस एंड ए बी या बी इंटरसेक्ट सी डी एट एफ। ओके नाउ प्रूव, टू प्रूव ए बी ई ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है। अब ट्रायंगल के सिमिलरिटी के लिए या तो साइड साइड होना चाहिए या तो एंगल होना चाहिए, इसमें साइड तो रेशियो में हो नहीं सकते। हम इस एंगल के प्रॉपर्टी से इसको हम देखते हैं तो ये पैरेललोग्राम का एंगल है, ये पैरेललोग्राम का एंगल हमेशा अपोजिट एंगल इक्वल होता है। प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर आल्सो इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो यहाँ पर एंगल हमारा ये बराबर आ गया, इस एंगल का ये एंगल, इस एंगल का ये। अब अदर टू एंगल या वन एंगल और चाहिए, इसका ये एंगल इसमें से किसी एंगल के इक्वल आ जाए तो सही है। यू नो ए बी पैरेलल सी डी देन बी ट्रांसवर्सल और व्हेन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और ये एंगल आपका जो है इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। और जब ये पैरेलल हो जाएगी, लेकिन ये इसका वर्टिकली अपोजिट है। चलिए हम शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर आप समझ गए कि क्वेश्चन में ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, साइड ए डी को प्रोड्यूस किया गया है, ई लाइज ऑन ए डी वहीं जॉइन बी, बी इंटरसेक्ट सी डी एट एफ। टू प्रूव ए बी ई ट्रायंगल ए बी सिमिलर ट्रायंगल सी बी सी एफ बी। नाउ ए बी पैरेलल सी डी अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, एंड बी ई इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन देन, चाहे आप नंबरिंग कर दो, ये एंगल वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है और ये फाइव हो गया। तो एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री, यह है करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, आप समझिए ना, ये इसके पैरेलल है तो ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, बट टू इजकल टू थ्री हो गया, करस्पॉन्डिंग यू नो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। आल्सो ये आपका वर्टिकली अपोजिट है बट एंगल थ्री इजकल टू एंगल फोर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, आ गया बस समझ में। ये तो हमने करस्पॉन्डिंग से इसका प्रूफ किया, और थ्री जो है फोर के इक्वल क्यों है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। तो ये हो गया नौ टू फ्रॉम वन एंड टू, एंगल टू इजकल टू एंगल फोर के, ठीक है, ये हो गया थ्री। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, अब इस एंगल के ये दो एंगल इस एंगल के दो एंगल के इक्वल हो गए। नाउ इन ट्रायंगल ए बी एंड ट्रायंगल सी एफ बी, तो ये इस बड़े एंगल का एंगल वन इजकल टू एंगल फाइव अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। आपको रीजन जरूर देना बच्चों, अगर आप इस रीजन को नहीं देंगे तो आपके मार्क डिडक्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे, इसलिए आपको जो भी आप स्टेटमेंट देंगे तो उसका प्रूफ जरूर देंगे, ठीक है, ज्योमेट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट है, और अर्थमेटिक में भी आप फार्मूले को यूज करते हैं। एंड एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर फ्रॉम थ्री, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है, तो बाई एंगल एंगल प्रॉपर्टी
ट्रेंगल ए बी ई, सिमिलर ट्रेंगल सी एफ बी, और ये आपका यहाँ पर प्रूव्ड हो गया। ओके okay?